गोंडा के जाने माने आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद आफताब कहते हैं कि सनराइज हॉस्पिटल आर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर की ओर से रमजान के हर फ्राइडे को हमारे यहाँ बड़े स्तर पर सभी बीमारियों का फ्री में इलाज किया जाता है, क्योंकि रमजान एक ऐसा पाक महीना है जिसमें सुबह शाम इबादत होती है। इस माह में कोई भी नेक काम करने से 70 गुना नेकियां बढ़ जाती हैं। रमजान गुनाहों से मगफिरत का महीना है, इसलिए खुदा का हुक्म है कि रोजेदार अपनी हैसियत के अनुसार इस महीने में गरीब लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया टाइम्स न्यूज एजेंसी। जिस तरह एक डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, उसी तरह उस डॉक्टर को उतना ही रहम दिल, दरिया दिल और सखी होना चाहिए। लेकिन देखने में ये आता है कि जैसे आज इस प्रोफेशन को, यानी मेडिकल का जो ये प्रोफेशन है, डॉक्टर है, कोई थेरेपी कोई भी हो, लेकिन हर किसी ने इसको अपना बिजनेस बना लिया है। कई सारे तो ऐसे भी हैं जो विदाउट रजिस्ट्रेशन भी अपने हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक ही ध्येय है, एक ही मकसद है, पैसा कमाना। मगर हर कोई ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे भी हैं जो वाकई ये सिद्ध करने में लगे हुए हैं, और उनको देखने पर लगता भी है कि ये वाकई धरती के भगवान हैं और इन्हीं को अधिकार है ये कहा जाने का कि वाकई ये धरती के भगवान हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सनराइज हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर आफताब आलम अंसारी और उनकी पत्नी डॉक्टर जुवेरिया आफताब। ये दोनों डॉक्टर के बारे में जो फीडबैक मिलता है लोगों का, वो ये मिलता है कि ये बहुत ही रहमदिल हैं, बहुत ही ऑनेस्ट, ईमानदार और अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर आफताब अंसारी ऑर्थो में सर्जन हैं, वहीं डॉक्टर जुवेरिया आफताब गायनेक सर्जन हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं। इन दोनों का जो धर्म है, कर्म है, वो इस तरह से है कि कोई आपके पास कैसा भी केस आ जाता हो, सामने वाले के पास पैसे हैं या नहीं है प्रॉपर वे में, ये इलाज शुरू कर देते हैं। वहाँ कोई भी तरह की ये शर्तें नहीं रखी जाती हैं कि आपके पहले एडवांस फीस जमा करो या फिर अगर नहीं है पैसा तो यहाँ इलाज ना करवाओ। ये किसी न किसी तरह से ये कोशिश में लगे रहते हैं कि उसका इलाज सबसे पहले किया जाए। आयुष्मान कार्ड की भी फैसिलिटी यहाँ पे है, यहाँ एक्सेप्टेड है आयुष्मान कार्ड। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ एक्सेप्ट भी किया जाता है। रमज़ान का महीना जब से शुरू हुआ है, इन्होंने एक प्रण किया है, पति पत्नी दोनों ने मिलकर, कि रमज़ान के महीने में हम फ्री इलाज करेंगे, वो भी फ्राइडे के दिन। तो रमज़ान का जो दो फ्राइडे हो चुका है, इन दो फ्राइडे में इन्होंने अपने यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स को फ्री में इलाज किया है। ये फ्री इलाज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कोई पैरासीटामोल का टैबलेट दे दिया या वायरल इन्फेक्शन अगर है तो उसका दे दिया। फ्री इलाज का मतलब यह है कि उस दिन, यानी जुमे के दिन, किसी भी तरह का इलाज हो, चाहे वो ऑर्थो का मामला हो, चाहे ऑपरेशन का मामला हो, कोई भी मामला हो, ये फ्री इलाज करते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इन्होंने करके दिखाया है, कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनकी वाह वाह कर रहे हैं, जो इनके लिए दुआएं दे रहे हैं, स्पेशली रमज़ान के महीने में, जहां लोगों में ये लगा रहता है कि वो अपने कमाई का कुछ परसेंट, 2.5% लोग ज़कात निकालते हैं। इनका एक अलग तरीका है कि ये अपने प्रोफेशन का भी ज़कात निकालते हैं। शायद ये इनके मन में हो कि हमारे प्रोफेशन का ये ज़कात है, और इसीलिए इन्होंने ये फैसला किया है कि हम रमज़ान के हर जुमे में फ्री इलाज करेंगे। और यहाँ बहुत सारी भीड़ भी लगी रहती है, अभी बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि यहाँ सनराइज हॉस्पिटल में जुमे के दिन, रमज़ान के जुमे में फ्री इलाज किया जाता है। तो ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये एक डॉक्टर की जो खासियत होती है वो बताई जा रही है, क्योंकि अक्सर हमने, आप लोगों ने देखा होगा इंडिया टाइम्स पे बहुत सारे डॉक्टर का खुलासा किया गया है कि वो अवैध रूप से अपना संचालन कर रहे हैं, पैसा ऐंठने का कारोबार कर रहे हैं। लेकिन आज हम ये दिखा रहे हैं कि ऐसे ही कुछ लोग हैं जो धरती के भगवान कहे जाते हैं, और वाकई में जो उनकी दरिया दिली अगर देखी जाए तो वो सिद्ध करते हैं कि हाँ, हम धरती के भगवान हैं।